चौटाला साहब बहुत दिन से एक बात कह रहे थे, अखबार के साथ ही उनसे मिलते थे, पूछते थे कि गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी। चौटाला साहब ने हमेशा एक बात कही थी कि मुझे नहीं लगता पूरे 5 साल चलेगी। आज उन वाली बात सच साबित होने जा रही है। आज हालात इस किस्म के बनते जा रहे हैं, जो लुटेरे आपस में मिलकर के पिछले 3.5 वर्ष से इस प्रदेश को लूट रहे थे, जो गठबंधन नहीं ठगबंधन चला रहे थे प्रदेश में, कई लूट के हिस्से को लेकर के आपस के अंदर पैसों के बंटवारे को लेकर के खिंचातान बढ़ी, आज उससे इस किस्म के हालात पैदा हो गए कि किसी दिन भी जेजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। जिस दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, मान के चलो भारतीय जनता पार्टी की भी गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता पूरे 5 वर्ष की काटेगी। लोकसभा के साथ हरियाणा के विधानसभा का चुनाव हो सकता है, इसलिए आपसे निवेदन और आग्रह करने आया हूं, बताने आया हूं कि ऐसे लोगों को, जहां प्रदेश का हर नागरिक आज इनसे परेशान है, दुखी है, बदलना चाहता है, इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने तो हमेशा से एक फैसला लिया हुआ था, ना आपने कांग्रेस को नजदीक लड़ने दिया, भाजपा को भी आपने बड़ा सबक सिखाने का काम किया, और सही समय आ गया। अब जब चुनाव आएगा, हर हालत में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाएगी, आने वाले समय में 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता पे काबिज हो जाएगी। क्योंकि मैं सारे हालात देख चुके हूं, आज जो मीडिया के लोग हमारे बारे में दुष्प्रचार किया करते थे, जो हमारे विरोधी हमारे खिलाफ बकवास किया करते थे, आज उनकी जुबान बंद हो चुकी है। जुबान बंद होगी कि नहीं होगी उनकी? जो कहते थे यात्रा 3 दिन नहीं चलेगी, 4 दिन नहीं चलेगी, जो कहते थे 43 किलोमीटर नहीं चल सकेंगे, आज कहीं आवाज निकलती है क्या? आज कोई बोल रहा है क्या इस बारे में? अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि यह परिवर्तन यात्रा ना केवल पूरा टाइम अपना पूरा समय निकाल पूरा समय करेगी, 4300 किलोमीटर का सफर तय करेगी, बल्कि यह परिवर्तन यात्रा अपना प्रदेश में बड़ा परिवर्तन करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में काबिज करने का काम करेगी।